दोस्तों, अगर आपके फेसबुक मैसेंजर में भी फिल्टर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। गाइस, वीडियो को आप पूरा देखना तभी आप समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिचटेक यूट्यूब चैनल में। गाइस, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। अगर आपके फेसबुक मैसेंजर में भी फिल्टर काम नहीं कर रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होगा ऐप्स का, ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप्स होती है वो सभी यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने ढूंढना है मैसेंजर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सामने ही मैसेंजर है। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर परमिशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इन सभी को परमिशन देनी है, ठीक है, जो भी है यहाँ पर इन सभी को आपको परमिशन देनी है। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे मोबाइल डाटा का भी ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपने अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजिंग, ठीक है, आपने इसे ऑन कर देना है, ठीक है, यहाँ से इसे इनेबल करना है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है स्टोरेज का, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे क्लियर कैशे का एक ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है ऐप डिटेल इन स्टोर, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। उसके बाद गाइज, यहाँ पर आप देखना है कि आपका जो मैसेंजर है वो अपडेट है या नहीं है, ठीक है। अगर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट होने के बाद भी जो आपकी मैसेंजर में फिल्टर नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है तो शायद इसकी वजह से वो ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके मैसेंजर में फिल्टर काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन होगा डेवलपर कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है मैसेंजर फिल्टर नॉट वर्किंग, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ मैसेंजर फिल्टर नॉट वर्किंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने टाइप करना है आफ्टर ओपन माई मैसेंजर ऐप नॉट वर्किंग कैमरा फिल्टर प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपने यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी।